दोस्तों, अगर आप पिकनिक स्पॉट जाना चाह रहे हैं तो धनबाद के प्रसिद्ध वाटरफॉल बठिंडा फॉल जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ जानकारियां लेकर ही जाएं। जिस प्रकार प्रत्येक साल पिकनिक मनाने के लिए लोग बठिंडा फॉल जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक साल किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु भी वहां पे हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, कुछ जानकारियां लेते हुए जरूर जाएं ताकि आपकी जो पिकनिक है वो सुखमय बनी रहे। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बठिंडा फॉल धनबाद से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखने में जितना आकर्षण लगता है उतना ही खतरनाक भी है। आकर्षक होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटक तब हैरान रह जाते हैं जब यहाँ की खूबसूरती उन्हें नजर आती है। कहा जाता है कि इस फॉल के बीच 3 तालाब हैं और सभी में गहरे कुएं हैं। ऐसे में यहाँ हल्की सी भी चूक लोगों की जान भी ले लेती है। बठिंडा फॉल सबसे ज्यादा नए साल के दौरान पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य ही आते हैं। कहा जाता है कि चट्टानों के बीच 3 तरह के तालाब हैं, बड़ा, मध्य और छोटा तालाब। पानी बड़े तालाब में आता है, फिर ओवरफ्लो कर मध्य तालाब में जाता है और वहां से छोटे तालाब में जाता है। दोस्तों, हर तालाब में गहरे कुएं हैं। बठिंडा फॉल के पास 2 नदियां को मिलन होती है। कतरी नदी पारसनाथ से निकलकर उत्तरी छोर से दक्षिण की ओर बहती हुई मुनडी पहुंचती है। पूरब की तरफ से दामोदर नदी आती है। फॉल के पास दोनों नदियां मिलती है। यहां चट्टानें 12 डिग्री की कोण पर नदी की धारा की दिशा में झुकी हुई है। ये चट्टानें नदियों की धारा को रोकती है। नदी की धारा जब चट्टानों को टकराकर 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो ये बड़ा सुंदर दृश्य बनता है और इसी को वाटर फॉल कहते हैं। कुछ लोग का मानना है कि बठिंडा फॉल प्रकृति की देन है। यहाँ दोनों नदियों का मिलना एकदम प्राकृतिक है, यह किसी मानवीय निर्माण कार्य से नहीं बना है। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ फॉल है वहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। नदी किनारे पत्थरों का कटना आसान है, इसलिए कभी भी वहाँ पत्थरों का खनन नहीं किया गया, जिसके कारण वहाँ पे फॉल बन गया। दोस्तों, अगर आप बठिंडा फॉल जाना चाहते हैं तो आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। दोस्तों, बठिंडा फॉल प्रकृति सुंदरता तो अच्छी है, लेकिन यहाँ का जलप्रपात काफी गहरा है। पानी के कारण यहाँ फिसलन भी बहुत रहती है। अनजान लोग नहाने या फिर झरने के पास जाने में अनहोनी के शिकार हो जाते हैं। यहाँ झरने के आसपास सावधानी को लेकर सूचना भी लगाई गई है, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। बठिंडा की प्रकृति सुंदरता का आनंद तो जरूर लें, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें।